हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल और दिस इज़ माय न्यू ब्लॉग। टुडे स्टार्ट टुडे इज़ कितनी है, हाँ 10 फरवरी, और मैं अपना ब्लॉग यहीं से करता हूँ स्टार्ट। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे आज भी मैं अपना ब्लॉग जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो जैनेश्वर मिश्र पार्क से स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैं जैनेश्वर मिश्र पार्क इसलिए आया था, मतलब पार्क नहीं आया था, आया था लक्ष्मी मार्केट पर राजेश जी के साथ। राजेश जी को मैंने छोड़ना था एक जगह पर, डॉक्टर राम मोहन है, ठीक है, अकाउंट्स वगैरह का मेरे ख्याल से उनका कुछ काम है, तो वो उस सिलसिले में आए थे। राजेश जी उनको छोड़ करके मैंने बोला कि चलते हैं ऑफ़िस की तरफ, क्योंकि यहाँ से ऑफ़िस है पास में, और ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो अभी हम मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो अभी मैंने वहाँ पर कर लिया था राइड ऑन जैनेश्वर मिश्र पर, और ऑफ़िस में गया था, ऑफ़िस कुछ काम था छोटा सा वो निपटा लिया था, और राइड ऑन करके मैं अभी आ गया हूँ राइड करते करते राजा जी पुरम में। तो मतलब फिर वहाँ से मुझे मिली थी एक हजरतगंज की राइड, हजरतगंज से फिर मुझे मिल गई राजा जी पुरम की राइड। और राजा जी पुरम पर मैं आया तो यहाँ पे मुझे मिल गया है मक्खन मलाई वाले, तो अभी हम इनसे मक्खन खाने जा रहे हैं, मक्खन चखते हैं, टेस्ट करते हैं। बहुत दिनों, इस बार मैं पहली बार ही खा रहा हूँ इस सीज़न में, क्योंकि इतना हम लोग लगते हैं टाइम ही नहीं मिला और ना जाने का, और दिख गया अचानक से राजा जी पुरम में, तो हम लोग चलो मक्खन खाते हैं आज। और 40 रुपये का 100 ग्राम मक्खन है इनका, और खाते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर बताते हैं किस तरीके से पूरा मक्खन है। और इसमें रबड़ी भी थोड़ी सी मेरे ख्याल से पड़ी हुई है, और पूरा डेकोरेट करके काजू पिस्ता से करते नहीं सॉरी बादाम पिस्ता से महीन महीन घिस करके डाला गया है, ग्रेस करके, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखने में भी सुंदर लग रहा है। और टेस्ट करते हैं अब, तो भाई मैं टेस्ट करूँगा तो लेकिन आप लोग को बता नहीं पाऊँगा कि कैसा है, लेकिन खाने के बाद बताता हूँ, क्योंकि अब मेरे साथ तो कोई है नहीं वीडियो बनाने के लिए, तो मैं अकेले ही बनाना होता है मुझे। तो चलिए मिलता भी खा करके, मतलब खा लिया है, और उसमें जो रबड़ी पड़ी थी वो काफ़ी अच्छी टेस्टी रबड़ी थी, और मक्खन तो भाई ऑब्वियस ही बात है टेस्टी होता है, उसका हर जगह का टेस्ट एक ही जैसा लगता है मक्खन का, लेकिन जिसमें रबड़ी पड़ी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और पीले कलर की रबड़ी थी जो मैंने आपको दिखाया था। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, अभी एक्चुअली राजापुरा में आया तो मैं सोचा कि एक काम था वो भी निपटा लेते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ एक से मिलने के लिए, उनसे मिल करके फिर मैं निकलता हूँ यहाँ से। अभी मैं गोमती नगर शहीद पथ के किनारे पे हूँ, और अभी मैं यहाँ से निकल रहा था तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाता चलूँ, और अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या दिखाना चाह रहा था आपको। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये देखिए शालीमार का वन वर्ल्ड का, ये शालीमार वन वर्ल्ड के यहाँ फ्लैट्स बन रहे हैं, वो काफ़ी अच्छे फ्लैट्स हैं। और एक्चुअली मैं यहाँ से इस निकल रहा था तो मुझे ये गेट आपको दिखाना था भाई, इसका जो ये गेट है ना बहुत उमदा गेट बना हुआ है भाई, बहुत ज़्यादा उमदा गेट बना हुआ, बहुत अच्छा गेट बना है, ठीक है। जब अंदर तो मैं जा चुका हूँ पहले भी, और जस्ट इसके सामने ही गेट के जस्ट सामने ये काना स्टेडियम आपको दिख रहा होगा, ये देखिए स्टेडियम बना हुआ है, जो इंटरनेशनल स्टेडियम अभी नया तैयार हुआ है ये वो स्टेडियम है। और भाई ये अब जो पानी एयर वाला एरिया देख रहे हो ना, ये एक्चुअली में गोमती नदी है, ठीक है, ये नदी कम नाला ज़्यादा लग रहा है भाई। रिवर फ्रंट के पास आप देखेंगे तो आपको गोमती नदी बहुत अच्छी दिखेगी, बहुत ज़्यादा पानी लगेगा, आपको लगेगा कि लखनऊ का बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप आउटर साइड निकलो ना तब असलियत पता चलती है कि भाई कि नदी एकदम सूखी हुई है। वहाँ तो बांध आंध बना करके और बैराज है, गोमती बैराज है, वहाँ पे पानी रोक करके थोड़ा सा आगे पानी रोक करके, तो ये इतना दिखा रखा है कि वहाँ पे बहुत अच्छा पानी है, पूरा सिटी के अंदर पानी ही पानी दिखता है, ठीक है। लेकिन जब आप आउटर बाहर निकलो ना तो बाहर देखने पे पता चल जाता है भाई, कहते हैं कि जो है कि पानी है ही नहीं, गोमती एकदम सूखी हुई है, नाला हो रखी है, और ऊपर से यहाँ का पानी भी इतना ज़्यादा गंदा लग रहा है, क्योंकि बीच में मेरे को पता है यहाँ तक से कि 2-3 नाले आते हैं जो इसमें आकर के जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का पानी भी इतना ज़्यादा गंदा है, काला काला एकदम पानी हो रखा है। तो अब क्या किया जा सकता है भाई, मैं तो आपको गेट दिखाने के लिए रुका था, लेकिन जब भाई मैंने गोमती नदी देखी तो मैंने बोला कि बताता चलता हूँ, अगर इसके पीछे कुछ गवर्नमेंट करती है तो अच्छा है, क्योंकि वैसे तो सफाई वफाई का काम चल रहा है काफ़ी जगह, गोमती नदी का गंगा मैत्री का वर्क चल रहा है, जिसके अंतर्गत मेरे ख्याल से गोमती भी आती है सफाई के लिए। और अभी जो अब चलते हैं फिलहाल,
और मेरे पीछे देखिए ये गवर्नमेंट, इधर साइड में शालीमार बना हुआ है और इस तरफ मेरे पीछे साइड में गवर्नमेंट के फ्लैट्स बने हुए हैं। ये भी काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जा रहे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, 400 स्क्वायर फीट 350 स्क्वायर फीट में फ्लैट्स बने हुए हैं और सही रेट भी मिल जाते हैं। चलिए निकलते हैं, अभी हम लोग थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। आप लोगों को मैं एक बात बताना भूल गया, मेरे नाना ने बताया था, मेरे नानू ने मुझे बताया था ये चीज़ कि 1970 या 72 में, मेरे को सन ठीक से याद नहीं है, मुझे पूछना पड़ेगा मम्मी अम्मी से, तो 1970 या 72 में बाढ़ आई थी इसी गोमती नदी में। आप देख सकते हो कितनी सूखी हुई नदी है भाई, है इसमें पानी है नहीं मतलब कि, और इसमें बाढ़ आई थी और मैं आपको बता दूं हज़रतगंज तक पानी इतना ज़्यादा भर गया था, इतना ज़्यादा भर गया था तो हज़रतगंज का ऑलमोस्ट बालिंटन तक पानी आ गया था। नाना हमारे जो है नाव चला करके रोड पे, लोग नाव चला चला करके जो है जा रहे थे, मुझे मतलब नाना ने बताया था मुझे ये बात, और आज जैसे मतलब जो नाना थे हमारे जिंदा तब उन्होंने बताई थी ये चीज़। तो वही चीज़ मैं अभी मतलब वीडियो बनाने के बाद मैं रुक गया था, अभी 5 मिनट यहाँ पर खड़ा हुआ था, मैं देख रहा था तो मुझे ये बात अचानक से याद आई, मैंने कि आप लोगों से ये बात मैं शेयर करता हूँ कि सोचिए कि उस टाइम पर इतना पानी था कि यहाँ पर बाढ़ आ गई थी और आज की डेट में यहाँ पे एकदम सूखा पड़ा हुआ है। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, खेती भी लोग कर रहे हैं, एकदम खेती वगैरह चल हो रही है, पता नहीं किस चीज़ की खेती हो रखी है लेकिन खेती फिलहाल कर रहे हैं। और इधर ही साइड जो है खेत, सिटी के अंदर अगर देखें तो लखनऊ सिटी के अंदर इधर ही साइड खेत बचे हुए हैं, खेत इधर साइड है, फिर सीतापुर रोड पर उधर निकल जाइए, सीतापुर रोड पर है, हरदोई रोड पर उस तरफ आउटर में एकदम तभी खेत, मतलब पहले तो हम जब मैं छोटा था तो हमारे तेलीबाग में भी कई जगह खेती होती हुई मैं देखता था, ठीक है, बगिया थी, आम की बगिया थी, ठीक है, भट्टे का मैदान हुआ करता था, वहाँ पर खूब सारे आम के पेड़ लगे रहते थे, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी। वही सब सोचते हैं कि कहाँ पेड़ मतलब कितना कट गया है सारी चीज़ें, और मैं आपको बताऊँ जहाँ मैं रहता हूँ तेलीबाग में ऑलमोस्ट वहाँ पर भी जो है पेड़ वहाँ पर पहले बहुत थे, ठीक है, अब वहाँ पर मतलब रोड का चौड़ा होना ये सारी चीज़ें होना तो उसकी वजह से जो है पेड़ वगैरह वहाँ से काट दिए गए, और अभी गोमती नगर वगैरह साइड निकलते हैं तो वहाँ पेड़ वेड़ लगा रहते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं देखता हूँ कि कई सिटीज़ में मैं गया हूँ तो वहाँ के अकॉर्डिंग लखनऊ में फ़िलहाल ग्रीनरी जो है वो ठीक ठाक है। अभी मैं भी रिसेंटली कानपुर गया था, कानपुर में मैंने देखा तो कानपुर में भी नहीं है, हमीरपुर में भी रोड के किनारे उतना नहीं था, तो उस हिसाब से देखा जाए तो सिटी के अंदर लखनऊ में बहुत ग्रीनरी है। और अभी फ़िलहाल चलते हैं, अब यहाँ से निकलते हैं, काफ़ी लेट हो रहा है क्योंकि, और अभी जाना है कुछ काम है, फिर मिलते हैं आप लोगों से। हम लोग को लगाई भूख, मैं जा रहा था ऑफिस की तरफ लेकिन भूख लगाई तो मैंने बोला कि छोला कुलचे वाले दिख गए तो हम छोला कुलचा खा रहे हैं अभी, और मैंने टेस्ट किया है ऑलरेडी, काफ़ी अच्छा है इनका छोला कुलचा, मैं छोला मतलब कि एक नंबर छोला बना हुआ है, और कुलचे अभी इनका बहुत बढ़िया है, और इन्होंने जो पनीर से स्टफ़ किया सॉरी आलू का है और जो स्टफ़ किया बहुत बढ़िया तरीके से, और पका भी बहुत अच्छा है कुलचा, काफ़ी अच्छा ये जो ये लगाते हैं, ये कौन सी जगह भाई? पीली कॉलोनी सब्जी, ये गोमती नगर विस्तार में पीली कॉलोनी सब्जी मंडी है, ये उस जगह ये बंदा लगाता है, ये देखिए ये है, और ये जो पीली कॉलोनी सब्जी मंडी जो विभूति खंड के लिए जो रास्ता जाता है क्रॉसिंग की तरफ, यहाँ से 2 किलोमीटर दिखा रहा है वहीं पर ही लगाते हैं ये कॉर्नर पर। और भाई मुझे तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगा, अगर आप लोग इधर से कभी जाइएगा तो इनका छोला कुलचा खा करके टेस्ट कीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा। चलिए अभी मिलते हैं आप लोग। अभी दोस्तों हम लोग आए हुए हैं, मैं मतलब पूरी फैमिली के साथ आया हूँ, एक पार्टी है, पार्टी में आया दावत वलीमा, मतलब कि एक अपने मुस्लिम परिवार बगल में मोहल्ले में रहते हैं, उनके भाभी हैं, उनके भाई का राज वलीमा है, और जिसपे सिर्फ रिसेप्शन कह सकते हैं आप, रिसेप्शन है, तो पीछे साइड में लाउड बहुत मतलब डीजे बहुत ज़्यादा तेज है, लाउड है, इसलिए मैं आप लोगों को अभी जो दिखाऊंगा उसका ओवर लिफ्टिंग मैं कर देता हूँ। अभी हम खाना ना खा के निकल चुके हैं और मम्मी लोग अभी खाना खा रही हैं, तो वो लोग खाना खा करके निकलते हैं, तो फिर हम जा रहे हैं वापस घर, तो अब मैं ब्लॉग को यहीं करता हूँ कम्प्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो, अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ भाई जो मेरी पिछली वीडियो थी उस पर इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच, मेरे पहली बार अभी तक मैंने जो देखा है वो समथिंग 400
22 साइज के आसपास व्यूज हो चुके हैं उस वीडियोस पे। और मैं क्या बोलूँ, मेरे को खुद मतलब कि मेरे को शब्द नहीं मिल रहे हैं, और ये मुझे पता है ये किसकी वजह से हुआ है। थैंक यू फॉर शैलेन, क्योंकि सॉरी शशांक की ही वजह से मुझको पता है कि ये व्यूज इतने बड़े हैं, क्योंकि उसने अपने दोस्तों में शेयर किया होगा। तो शशांक, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। और हाँ, आप लोग, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, शशांक का भी एक चैनल है सोच की खोज, ठीक है। उस चैनल को आप लोग जाइए, जाकर के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और वो बहुत अच्छे कंटेंट बनाता है, बहुत अच्छे वीडियोस डालता है, और वो बहुत अच्छा डांसर भी है। तो अभी नेक्स्ट टाइम कब मिलते हैं शशांक से मुझे पता नहीं है, जब मिलेंगे तो मैं आप लोगों को फिर से मिलवाऊँगा। तो अभी वो फ़िलहाल अपने घर गया हुआ है, तो फिर मुलाकात करते हैं बाद में। अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।